खबर जौनपुर जनपद से, जहां थाना रामपुर पुलिस ने लुटेरे व अपहरणकर्ता टीम के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके कब्जे से चोरी की पीले धातु की एंटिक पीस मूर्तियां लगभग जो 300 वर्ष पुरानी है, जिसकी अनुमानित लागत 50 लाख बताई जा रही है, बरामद हुई है। साथ ही 2 तमंचा कारतूस, अपहरण व लूट की घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और लूट की नकदी भी बरामद हुई। घटना के इस संबंध में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जौनपुर जनपद से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी रामपुर एवं उनकी पुलिस टीम एक इनपुट के आधार पर कि उनके क्षेत्र में मिलिया के पास प्राचीन मूर्तियों की चोरी करने और उनको खरीदने बेचने वाले एक गैंग की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने तत्काल वहां घेरेबंदी करके दबिश दी और मौके से 5 अभियुक्तों को पकड़ा और उनके कब्जे से चोरी की हुई अत्यंत प्राचीन 3 मूर्तियां, जिसमें राधा रानी, श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की मूर्तियां और एक त्रिशूल बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, लूट के 3,100 रुपये एवं घटना में प्रयुक्त की जाने वाली एक नीले रंग की स्कॉर्पियो बरामद की गई। तत्समय मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागे हुए 4 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त जो बाइक से भाग रहे थे, पुलिस टीम द्वारा उनको भी रोकने का प्रयास किया गया और उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग से ये दोनों बदमाश घायल हुए और उनको गिरफ्तार किया गया, जिनका उपचार कराया जा रहा है। उनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और लूट के 1,870 रुपये, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस रिकवर किए गए। इस संपूर्ण प्रकरण में विभिन्न अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी संकलित करके विवेचना में समाहित करके सुसंगत अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।